हेलो पागल तो नहीं हो तुम? अपनी जान की परवाह है कि नहीं? तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? वालेकुम सलाम। क्या बात है उमर साहब, आप तो लिफ्ट ही नहीं करवाते। जी उमर साहब, सकरार बिल्कुल ठीक कह रहा है। यार तो बात है, हम तुम्हारे पास आए हो, तुम मोबाइल में बिजी हो। आगे मैं तो क्या करूं, मैंने मना किया इधर आने से। हम तुम्हारे पास आए हो, तुम मोबाइल में बिजी हो, ऐसा तो नहीं ना करो। उमर साहब, सकलैन बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगता तो हम चले जाते हैं। नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो सारे मेरे दोस्त हो, तुम इधर आओ ना। जब भी हम आते हैं तो मोबाइल में बिजी होते हैं। आज हम आए, आज भी तुम मोबाइल में बिजी हो और अपनी सफाइयां पेश कर रहे, ऐसे तो नहीं ना चलता यार। नहीं यार, गलती है मेरी, नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। उमर साहब, इस बार बच्चा ही बुला दो। राज साहब, सदियां गुजर गई, आपकी आदतें चेंज नहीं हुई, कोई मसला नहीं, चाहे भी बुला देते हैं। मुस्तफा, ये देखो मेरे फोटो में 200 लाइक्स आए हैं और कल मैंने 10 फ्रेंड भी नए बनाए। हाँ हाँ, ये फोटो मैंने भी कल देखी थी और लाइक भी किया था। राज साहब, हमें भी कोई अच्छी सी फ्रेंड बना दें। खसमो, अगर ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे तो घर में बैठ के कर लेते, यहाँ क्यों आए हो? मैं जा रहा हूँ यार। नहीं नहीं रुको यार, हम भी चलते हैं। अच्छा मैं भी चलता हूँ। ठीक है, जाना है, जाओ जाओ, मेरी फेस पूरी दिला मुझे। क्या बात है यार, आजकल तुम लोग किधर बिजी हो? किधर ही होते हैं, किधर जाना है हमें? बाकी बातें छोड़ो यार, आजकल उमर किधर है? यार मैंने तुम दोनों को एक बार जो कहा है कि ऐसे इंसान के बारे में बात करना फजूल है, तो तुम बार बार उसका क्यों नाम लेते हो? चलो यार, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, मुझे भी काम है। ठीक यार, स्टेटस ही देख लूं। यार ये उमर को क्या हुआ है, इसने तो हमें बताया भी नहीं। चलो से प्लान को। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, तुम्हें पता है कि उमर का एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, वो मैंने स्टेटस देखा है, तो उधर उसका एक्सीडेंट हुआ है। तुम इस्तीफा को लेकर ना उधर ही आ जाना, उधर ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम लोगों को कैसे पता चला? स्टेटस देखा था तुम्हारा, इसलिए आए हैं। उमर साहब, आपने एक पल में हमें पराया कर दिया। डॉक्टर साहब, अफसोस तो हमें भी बहुत हुआ है, पर इस बात पर चाय तो बनती है। क्यों नहीं राय साहब, आज आपको कश्मीरी कहवा पिलाएंगे। तुमको चाय नहीं पड़ी है, घर में कभी चाय नहीं पी? उसकी हालत देखो, उसकी हालत क्या है। और इसका भी इलाज है, इससे पूछो इसके फेसबुक फ्रेंड की तरह अभी, जिसकी वजह से इसने हमें इग्नोर किया। और एक बात तुम याद रखना कि एक सच्चा दोस्त अल्लाह ताला की खास नेमत होती है और उसको कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे पास तुम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए कोई अल्फाज नहीं। आज तुम लोगों ने साबित कर दिए कि दोस्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। अगर हो सके तो मुझे दिल से माफ कर देना। मुझे बहुत खुशी है उमर कि तुम्हें रिश्तों का एहसास हो गया। अगर किसी दिल में एहसास नहीं है ना, तो वो दिल दिल भी नहीं। चलो समा भाई, चलते हैं, टाइम काफी हो गया है। ठीक है। Thank you.
डॉक्टर साहब चाय तो आज भी आपने नहीं पिलाई। चलो खैर है, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। ठीक है राय साहब, अल्लाह हाफिज़।